हे गाइस, वेलकम बैक टू रडार इंस्टीट्यूट। अगर आपको हिंदी व्याकरण के कंप्लीट नोट्स चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है वो है बहिर द्वंद्व का संधि विच्छेद और इसमें संधि का नाम क्या है। तो देखिए, इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा बहिः प्लस द्वंद्व, ये इसका संधि विच्छेद होगा। और इसके अंदर अगर संधि का नाम की बात करें तो वो होगी विसर्ग संधि। इसके अंदर विसर्ग संधि क्यों होगी? क्योंकि विसर्ग संधि में एक नियम होता है जिसके अंतर्गत छोटा ए और विसर्ग और उसके बाद घोष व्यंजन हो तो ये विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि छोटा ए और उसके बाद विसर्ग है और यहाँ पे जो दया आ रहा है ये एक घोष वर्ण है, एक घोष व्यंजन है। घोष व्यंजन क्या होते हैं? किसी भी वर्ग में तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण होता है ये घोष वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे ये द है ये घोष व्यंजन है, तो यहाँ पे ये संधि का नियम लागू होता है। तो ये विसर्ग है जो आधे रे में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाएगा बही और फिर जो ये रे है ये द के ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से, और बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा बहिर्द्वंद्व और इसके अंदर विसर्ग संधि हो जाती है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।